स्पष्टीकरण केलेलं आहे. आम्ही तर कधी सांगितलं नाही काय होणार नाही होणार आहे, पण आपण अनेक वेळा ज्यावेळी दिल्लीवारी होतात, आज उपमुख्यमंत्री पण दुसरे दौऱ्यावर गेलेले आहेत, तर या चर्चा ज्यावेळी होतात आणि आपल्या माध्यमातून होतात अशी त्यांच्यावर वेळ यावी की त्यांनी स्पष्टीकरण करून या संपूर्ण विषयावरती विराम आणावा. हाही एक दुर्दैवाचा भाग आहे. मुंबई शहरामध्ये महानगरपालिकेच्या कार्यालयामध्ये पालकमंत्र्यांचे कार्यालय केले गेलेले आहेत. बॉडी नसल्यामुळे हे कार्यालय तिकडे केलं झालं असं स्पष्टीकरण राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी देण्याचं काम केलं. तरी हेही सांगितलं का मी आम्ही दोघं पालकमंत्र्यांशी बोलू. मग आमचं म्हणणं असं आहे की हे जर असं न्याय तर पुण्याला पण पालकमंत्र्यांचं कार्यालय उघडा, पिंपरी चिंचवडला उघडा, नाशिकला उघडा, ठाण्याला उघडा, तिकडे पण दोन दोन वर्ष बॉडी नाही आहे ना. आणि दुर्दैवाने म्हणावं लागेल की मुंबई शहरामध्ये पालकमंत्र्यांचं कार्यालय हा आता राजकीय बसण्याची जागा झालेली आहे. अनेक माजी नगरसेवक भारतीय जनता पार्टीचे किंवा आता जे तुटून आलेले जे आमच्याकडनं जे गेलेले हे तिकडे जाऊन बसत आहेत. आणि माझं म्हणणं इकडे जनता बसते की इतर लोकं बसत आहेत आणि कुठचे विषय ते घेत आहेत, कुठचे जनसामान्याचे लोकांचे विषय या आठवड्याभरामध्ये सोडण्याचं काम केलेलं आहे. स्थानिक संस्थेच्या वरती अतिक्रमण करण्याचा हा अभिनव प्रयत्न जे चाललेले आहेत मुंबईकर ह्याला निश्चितपणे पुढच्या काळामध्ये जात विचारल्याशिवाय राहणार नाही आणि उत्तर दिल्याशिवाय. हिंदी में जानना चाहेंगे जो बीएमसी में पालक कालच परिषदेमध्ये त्यांनी स्पष्ट केलं की राज्याचे उपमुख्यमंत्री सांगितलं की हो समान निधी झालेला नाही आहे, काही कमी जास्त झालेले आहेत, परिषदच्या लोकांना तर एकही रुपये मिळालेला नाही आहे. आणि म्हणून हे दुर्दैवी आहे. समान निधी हा फक्त आमच्यापुरता मर्यादित नाही आहे. आमच्या इकडचे जे मतदार विधानसभेमध्ये जे असलेले जे मतदार आहेत, मतदार जे निवडून जे तिकडे जे मतदार आहेत ज्यांनी त्यांना निवडून दिलेले आहेत त्यांचं दायित्व त्या आमदारांकडे पण सरकारकडे पण आहे. सरकार जे आम्हाला मतदान केलं नाही आमच्या विचाराचा आमदार नाही म्हणून असं जर न्याय देत असेल, म्हणून कालच मी बोलताना बोललो की हे जे मतदार हे काय राज्याच्या बाहेरचे आहेत का किंवा देशाच्या बाहेरचे आहेत का, मग एकाला एक न्याय वेगळा न्याय का. कामाच्या माध्यमातून निधी देण्याचं काम केलं पाहिजे. माझा स्पष्ट आरोप आहे की अनेकांच्या काही विकास निधी हे ड्रेनेज पॅसेज म्हणजे DP ज्याला म्हणतो डुप्लिकेट आणि DP ज्याला म्हणतो म्हणजे ड्रेनेज पॅसेज याच्यासाठी निधी दिली जाते, पण सर्वसामान्य लोकांच्या जनतेसाठी ही निधी दिली दुर्दैवाने जात नाही. बीएमसी में पालकमंत्री को ऑफिस दिया जा रहा है और मीडिया के ऊपर भी बंटवारा. दुर्दैव की बात है कि महानगर पालिका के कार्यालय में जनता दरबार के लिए अगर पालकमंत्री जाते तो मैं समझ सकता था. उन्होंने उनका खुद का कार्यालय किया क्योंकि बॉडी नहीं है इसके लिए उन्होंने कहा कि 2 साल से पूरी बॉडी नहीं है, महापौर नहीं है, इसके लिए पालक मंत्री जी को लोग मिलने आते हैं तो ये कार्यालय किया. आज भी हमारा दावा है कि ये कार्यालय वहाँ पे पॉलिटिकल अड्डा हो गया है. मैं पूछना चाहता हूँ CCTV के फुटेजेस के माध्यम से कितने जनता के लोग वहाँ पर आए, कितने लोगों की समस्या छुड़ाने का काम किया, फिर कौन जाकर वहाँ पर बैठ रहा है और बैठ रहा है तो किसके विषय लेकर बैठ रहे हैं. ये सब दुर्दैव की बात हो रही है और इसीलिए हमने कहा कि यही न्याय यहाँ है तो पुणे में भी दीजिए. पिंपरी चिंचवड़ में क्यों नहीं बैठते हैं, फिर हर जिला परिषद में और हर छोटे छोटे महानगर पालिका नगर पालिका में जब पालक मंत्री ही जाकर बैठने लगे तो वहाँ के CO क्या काम करेंगे, वहाँ के महापौर क्या, जो आने वाले महापौर क्या काम करेंगे और वहाँ के जो माजी नगर सेवक है वो लोगों के सामने कैसे रहेंगे. इसीलिए पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करने के लिए और इतनी हावी हो गई है भारतीय जनता पार्टी को कि लोकशाही से हम अगर नहीं आला सके तो हम लोकशाही से इस महानगर पालिका को काबिज करेंगे. ये जो उनका सपना है वो मुंबई कर कभी पूरा नहीं करेंगे. निधि को लेकर बंटवारे को निधि को लेकर निधि के बारे में भी समानता नहीं है. हम तो हमेशा कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो मतदार हैं वो क्या बांग्लादेश से आए हैं क्या, क्या कोई दूसरे देश से आए हैं, वो यहाँ के नागरिक नहीं है क्या. क्योंकि वो हमको मतदान करते इसलिए उनके ऊपर अन्याय करने का काम आप कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे विचारधारा से और आपके विचारधारा में नहीं आ रहे. ये बहुत ही गलत बात है. इसके बारे में राज्य के उप मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासित किया कि हम देखेंगे, अगर देखा ठीक है नहीं तो हम जनता में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि किस तरह की राजनीति हो रही है. आज आरोप करने का काम कुछ लोग करते हैं कि आपके कारकिर्दी में ये हुआ ऐसा हुआ हुआ. कोविड के 2 साल में विकास निधि कामों को देकर दी गई, लोगों को देखकर दी नहीं गई. कभी भी राज्य के तब के मुख्यमंत्री जी ने कोई भी ऐसा एक ड्राफ्ट बताया कि इसमें साइन किया कि ये पार्टी को दिया जाए और ये पार्टी को दिया नहीं जाए.
ऐसी कोई भूमिका नहीं ली थी, फिर भी राजनीति कर जिस तरह से सभी विधायकों को और जो सत्ता के विरुद्ध में जो विधायक है उनके ऊपर जिस तरह से अन्याय की जा रही है, हम जनता की आवाज़ बोलकर इस हाउस में हम बात कर रहे हैं। नहीं होगा तो जनता के अदालत में जाकर इसके बारे में हम जवाब पूछेंगे। एक प्रस्ताव त्यांनी दाखवावा फाईलीवरती की राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्र्यांनी असं म्हटलेलं आहे की ही निधी देऊ नका आणि ह्याला निधी द्या, एक फाईल दाखवावा, आम्ही नक्कीच मान्य करू कबो आणि किंवा एकदाही आम्ही परत त्यांच्याबद्दल बोलणार नाही। अनेकांच्या प्रस्तावावरती त्यांनी स्थगिती उठवली म्हणजे काय, मोठं काम केलं नाही, ते कामं विकासाचे होते म्हणून झालं, मग एक त्यांना जो न्याय तो बाकीच्यांना काय नाही, किंवा त्यांनी सांगावं की हे काम चुकीचं रद्द करावं नवीन परत द्यावं त्यांच्या मर्जीप्रमाणे, त्यांना जर आमच्या माध्यमातून पण निधी द्यायचा नसेल तर स्वतः नारळ फोडावं, अजून काय करायचं। पण सर्वसामान्य जनता, आदिवासी समाजाकडनं आलेली जनता, मागासवर्गीय समाजाकडनं आलेली जनता, आम्हाला सर्वांना ज्यांना निवडून देण्याचा प्रतिनिधित्व ज्यांनी केलेलं आहे त्या लोकांकडे जर आम्ही न्याय देण्याचं काम केलं नाही तर ह्याची जबाबदारी ही शासनावर जाते। मैं उसके बारे में और प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि वो खुद इंटरव्यू बहुत ही जल्द लोगों के बीच में आएगा। रविवार के दिन उन्होंने पूरी तरह से राजनीतिक स्तर के ऊपर पार्टी की भूमिका क्या है और जिस राजनीति हालात में पार्टी कहाँ जा रही है और एक व्यक्ति बोलकर वो किस तरह से लड़ाई में संघर्ष कर रहे, ये उन्होंने कहने का था। चला बरा आला, एवढे दिवस एकमेकांना टोळवा टोळवी करत होते, टोलच्या निमित्ताने तरी देखील ह्यांचे संबंध अजून लोकांच्या समोर आलेले आहेत आणि मला असं वाटतं कधी कधी लाव रे तो व्हिडिओ असं म्हणायला काय हरकत नाही। सर, कल अंधेरी में देर रात एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर लैंडस्लाइड हुआ है, अंधेरी में कल देर रात, किस तरह से? कल सिर्फ अंधेरी में नहीं, लेकिन यही हमने विधान परिषद में कहा था विशालवाड़ी के बारे में जब ये घटना हुई। मुंबई शहर में ऐसे सेंसिटिव जोन बोलकर डिमार्क करके महानगर पालिका ने बड़े पैमाने के पर पहाड़ों में रहने वाले झोपड़पट्टियों को भी स्थलांतर करने का निर्णय लिया था, लेकिन दुर्देव से ली नहीं क्योंकि महानगर पालिका के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी सिर्फ पालक मंत्री के कैबिन को साफ करने के पीछे पड़े, मुंबई शहरों के विकास के लिए, मुंबई शहरों के लिए। मुझे बताइए अंधेरी में लाइन सेट हो गया, क्यों नहीं गए वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी? तो एक तरफ से लोगों के हित में करना नहीं है, इन लोगों को इमीडिएटली शिफ्ट करना चाहिए था महानगर पालिकाओं के स्कूलों में, उनका स्थलांतर का प्लान देना चाहिए था, और इतना ही नहीं कि उनको रिहैब में अच्छी घरों में लेके जाने की जवाबदारी भी और दायित्व भी राज्य सरकार की है, महानगर पालिका की और माड़ा की।